फ्रेंड्स, इसे हम रखेंगे फ्रिज में चिल्ड होने के लिए। आप भी इसे फ्रिज में ही रखें और इसे ठंडा ठंडा ही खाएं और इसे एंजॉय। हे एवरीवन, तो कैसे हो आप सब? आप सबका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं कस्टर्ड। तो यहाँ आप देख सकते हैं, हमने यहाँ आधा लीटर दूध लिया है। तो इसे हम धीमी आंच में पकाएंगे। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दूध बॉयल हो चुका है। तो इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। तो यहाँ हमने 3 चम्मच चीनी का यूज़ किया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही रखें। फ्रेंड्स, इसे हम चलाते रहेंगे जब तक चीनी अच्छी तरीके से मेल्ट ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, चीनी मेल्ट हो चुकी है दूध में, तो इसे हम ठंडा करने के लिए रखेंगे। तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इस दूध को थोड़ा देर के लिए ठंडा होने के लिए रखेंगे। हमने एक कटोरी ले ली, इसमें हमने दूध ऐड किया है। हमने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर का यूज़ किया है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कस्टर्ड पाउडर अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं दूध लगभग ठंडा हो चुका है। तो इसमें हम ऐड करेंगे कस्टर्ड पाउडर, जिसे हमने दूध में घोल के रखा था। अब इसे मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमें इसे लो फ्लेम पे चलाते रहना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कस्टर्ड गाढ़ा होने लगा है। हम इसे तब तक चलाएंगे जब तक कस्टर्ड हमारा पूरे अच्छी तरीके से गाढ़ा ना हो जाए। तो लगभग इसे हमें 5 मिनट तक ही चलाना है। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कस्टर्ड गाढ़ा हो चुका है, तो एकदम परफेक्ट बन चुका है। तो हम गैस को बंद कर देंगे। तो फ्रेंड्स, हमने गैस का फ्लेम बंद कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कस्टर्ड एकदम परफेक्ट तरीके से बन चुका है, ये गाढ़ा भी हो गया है। तो इसे हम ठंडा करने रखेंगे। उसके बाद हम ऐड करेंगे फ्रूट्स। कस्टर्ड हो चुका है ठंडा, इसमें हम ऐड करेंगे फ्रूट्स। यहाँ फ्रूट्स हमने पहले ही कट करके रख लिए थे। तो यहाँ हमने लिया है केला, सेब, अनार। आप चाहे तो अपने पसंद का कोई भी फ्रूट्स ले सकते हैं। फिर ऐड करेंगे लास्ट में चेरी। इसे हम मिक्स करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने सारे फ्रूट्स नहीं डाले थे, हमने थोड़े से फ्रूट्स अलग निकाल के रख लिए थे। तो इसे हम डेकोरेट करेंगे। फ्रेंड्स, कस्टर्ड बनकर हो चुका है रेडी। तो आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसे लाइक सब्सक्राइब भी ज़रूर करिएगा और इसे फ्रिज में रखें। हम रखेंगे फ्रिज में चिल्ड होने के लिए। आप भी इसे फ्रिज में ही रखें और इसे ठंडा ठंडा ही खाएं और इसे इंजॉय करें।